हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। When alcohol compound is heated at above 140 degree Celsius temperature in presence of concentrated H2SO4 to form alkene compound, such type of process is known as dehydration of alcohol. जब हम किसी alcoholic compound की reaction कंसेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर करवाते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक अल्कोहलिक कंपाउंड CH3CH2OH। ठीक है, ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री ऑल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 से। ठीक है, टेम्परेचर कितना लेना है, 140 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर होगा 140 डिग्री से ज्यादा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम अल्कोहलिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पे एल्कीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म, अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। दिस मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग स्टेप एंड दिस रिएक्शन इज ऑफ E2 और SN2 टाइप्स। इसकी जो मैकेनिज्म है वो फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है और ये E2 या फिर SN2 टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसमें जो प्रेजेंस होता है H2SO4 उसको आयनाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो अटैक नहीं करेगा तब तक तो मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम H2SO4 रिवर्सिबल साइन लगाएंगे और यहाँ पे ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आयनाइज्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन का, ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि एक अल्कोहलिक कंपाउंड ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया CH3CH2OH। ठीक है, ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड हो गया और हम यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयन का हम आयनाइज्ड करते हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, मीन्स यहाँ पे ये इससे रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये H इससे जुड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये एक लोन पेयर बचेगा और एक लोन पेयर से ये अटैच हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि स्लो रिएक्शन होके यहाँ पे जो HSO4 आयनाइज्ड हुआ था ये बिग बॉन्ड के साथ इससे यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे अटैच हो जाएगा, प्लस HSO4 और ये स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि स्लो रिएक्शन करके ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, अल्कोहलिक कंपाउंड लिया है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। जब ये लेस रिएक्टिव होता है तो यहाँ पर ये स्लो रिएक्शन करके ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसे बिग बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बना था ये भी बिग बॉन्ड के साथ इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये H और ये इसका लोन पे और यहाँ पे जो HSO4 है ये बिल्कुल बिग बॉन्ड के साथ या फिर डॉटेड बॉन्ड भी बोल सकते हैं उससे यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा HSO4। ठीक है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, उसके बाद
रिएक्शन होके यहां से ये HSO4 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये H ले लेगा तो यहां पे ये H2SO4 में, और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहां से ये अपना बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर देगा तो यहां पे ये CH2CH2 एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और माइनस H2SO4 रिमूव हो जाएगा और H2 को रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये एथिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है इस टाइप से एथिलीन। ठीक है, तो इस टाइप से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पर हमने देखा था कि प्राइमरी एल्कोहल से हमने एथिलीन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर टर्शियरी एल्कोहल लेंगे हम तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल होती है, क्योंकि जो प्राइमरी होता है वो लेस रिएक्टिव होता है बट जो टर्शियरी होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो उसकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं टर्शियरी एल्कोहल की रिएक्शन किस टाइप से होगी। यहाँ पर हम एक टर्शियरी एल्कोहल लेते हैं, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पे ये CH3। ठीक है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये हो गया टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, इसकी भी हम कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2CH2 और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा यहां से एक एच और यहां से ये यहां से एक एच और यहां से ओ एच ये रिमूव होके और ये यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटीन। ठीक है, तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि ये टर्शियरी एल्कोहल है तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आयनाइज्ड कर लेंगे H2SO4 को। तो यहाँ पे H2SO4 इसको हमने आयनाइज्ड कर लिया तो यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये आयन्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्शियरी एल्कोहल लेंगे, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पे ये O और H, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, C, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पे ये CH3 और ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होकर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फास्ट रिएक्शन होगी और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। यहाँ पर हमारे पास कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने आयनाइज किया था HSO4 इससे ये बिग बॉन्ड के साथ इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, स्लो रिएक्शन करके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ये CH3 CH3 और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं CH2H, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये है तो अभी भी कार्बन नियम आयन और यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HSO4 से। ठीक है, और इसको हीट कर देते हैं, ये होती है स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये HSO4 इस H से बिग बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है, कैसे, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पे ये H और ये डॉटेड बॉन्ड के साथ यहाँ पे HSO4- के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फास्ट रिएक्शन होती है और ये जो HSO4 यहाँ पे अटैच हुआ है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होती है और यहाँ से ये HSO4 रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ CH2, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, आइसोब्यूटीन।
ठीक है, इस टाइप से इसकी रिएक्शन होती है और इस टाइप से टर्सरी एल्कोहल से हम एल्कीन बोल सकते हैं या फिर आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे अब हम ईथर का फॉर्मेशन करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, ठीक है। व्हेन एल्कोहल कंपाउंड इज हीटेड एट 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 देन ईथर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो जो हम कोई एल्कोहलिक कंपाउंड लेते हैं और उसको 100 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, 140 से ज़्यादा नहीं लेते और 100 से कम नहीं लेते, इसके बीच टेम्परेचर लेते हैं और इसको हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एल्कोहलिक कंपाउंड ले लिया C2H5OH + OH C2H5, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके और इसको हीट कर दिया 100 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और किसकी प्रेजेंस में, कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे C2H5O और C2H5, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं H2SO4 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयनाइज कर लेंगे H2SO4 को, तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप में हम एल्कोहलिक कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे इसके टू लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं, मीन्स H पॉजिटिव आयंसिस की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर वही वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इसके पास 2-1 लोन पेयर बचेगा। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं जो यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड, यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम C2H5OH से, ठीक है। जो हम इसकी इससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसके साथ वीक बॉन्ड से अटैच हो जाता है और ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन कर देता है। कैसे, यहाँ पर ये हमने लिया C2H5 और यहाँ पे ये डॉटेड बॉन्ड से जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है ये यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डॉटेड बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये C2H5 और यहाँ पर ये O और यहाँ पे ये H, ठीक है, ये यहाँ पे इससे डॉटेड बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन कर देगा। जब दोनों साइड डॉटेड बॉन्ड से ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फास्ट रिएक्शनों के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगी और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे ये O और यहाँ पे इसका एक लोन पेयर और यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये C2H5, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से ये जो H है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उस तो यहाँ पर इसका हमने प्रोटोनेशन करवा दिया माइनस एच पॉजिटिव, यहाँ से ये एच पॉजिटिव रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 और यहाँ से ये एच पॉजिटिव आयन निकल के, ये एच पॉजिटिव आयन निकल के यहाँ पर ये जो HSO4 होता है इससे रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है, तो यहाँ पर ये एच पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, तो यहाँ पर रिएक्शन होकर H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर हमको एक रिएक्शन दे दे और कहें कि इसके हमें
मैकेनिज्म बताने हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होगी। तो यहाँ पर हमको टर्सरी एल्कोहलिक कंपाउंड दे दिया और यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया 100 to 140 डिग्री सेल्सियस, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर न्यू ब्यूटा ऑक्सी न्यू ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हमें इसकी मैकेनिज्म बतानी है कि ये किस टाइप से होगी। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, आयनाइज्ड कर लेंगे H2SO4। इसको हमने आयनाइज्ड कर लिया तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड हमें रिएक्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3, ये टर्सरी एल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन, इसे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये O पॉजिटिव H और यहाँ पे ये H, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे किसका, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बन नियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन नियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये CH3, ये कार्बन नियम आयन का फॉर्मेशन हो गया सेकेंड स्टेप से। अब थर्ड स्टेप में ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पर हमारा कार्बन नियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, इसकी रिएक्शन हम सेकेंड जो वो एल्कोहलिक कंपाउंड है उससे करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन नियम आयन है जिसका भी हमने फॉर्मेशन किया है CH3 CH3 और यहाँ पर ये CH3 कार्बन नियम आयन है, इसकी हम एल्कोहलिक कंपाउंड टर्सरी एल्कोहलिक कंपाउंड से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, OH ये। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH3 और यहाँ पे ये CH3, ये इससे जुड़ जाएगा। ये जो OH है यहाँ पे ये O और यहाँ पे ये इसका H, ठीक है, और ये यहाँ पे इसे ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे ये लोन पेयर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। जब इसका डीप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से ये जो एच हाइड्रोजन है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये CH3 C CH3 और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये O, ठीक है, और यहाँ पे ये C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पे ये डीप्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ईथर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा न्यू ब्यूटॉक्सी न्यू ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे न्यू वर्ड का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 है यहाँ पे 3 CH3 दिए, मीन्स CH3 का होल थ्राइस दिया हुआ है और इसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो न्यू ब्यूटॉक्सी मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। तो न्यू ब्यूट ब्यूट यहाँ पे ओ दिया है तो ऑक्सी न्यू ब्यूटॉक्सी न्यू, यहाँ पे CH3 दिया है, 3 CH3 दिए तो न्यू ब्यूटेन, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हुआ न्यू ब्यूटॉक्सी न्यू ब्यूटेन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड इज रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 देन एस्टर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। जब हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड
की रिएक्शन एल्कोहलिक कंपाउंड से करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया और एक एल्कोहलिक कंपाउंड लिया, किसके प्रेजेंस में, कंसेंट्रेट H2SO4 लिया, तो यहाँ पर ये इथाइल एसीटेट या फिर एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हमने एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया CH3C OH और यहाँ पर OH, ये है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, और यहाँ पर लिया एक एल्कोहलिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर ये एल्कोहलिक कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो गया, इसकी रिएक्शन करवा दी H2SO4 से, कंसेंट्रेट H2SO4 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, H2O यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जब ये रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे CH3 इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको आयनाइज्ड कर लेते हैं HSO4 को, ठीक है, जब हम इसको आयनाइज्ड करेंगे तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेंगे और यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे, तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया, ठीक है, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और इसका प्रोटोनेशन करवा दिया, जब हम इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 यहाँ पे ये और यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H, इस पे पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एल्कोहलिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन इससे करवा देंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया C2H5 और ये एल्कोहलिक कंपाउंड ले लिया, जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे होगी, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये C और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो O और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच ही रहेगा इससे, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे इसका एक लोन पेयर, अब ये है ये यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये O और यहाँ पे ये इसका H और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इसका लोन पेयर और यहाँ पे आ जाएगा C2H5, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, अब यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ पे ये CH3 यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से और यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये जो C2H5 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये O यहाँ पे इसका ये H आ जाएगा, यहाँ C2 यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये वाला जो O है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, अब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये जो है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, तो अब यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्टर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से ये एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो गया, और जब ये एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाता है तो ये HSO4 से रिएक्शन कर लेता है और H2SO4 का फॉर्मेशन कर देता है, इस टाइप से एस्टर कंपाउंड की रिएक्शन होती है।